विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने नाम बदलकर डोईवाला में मकान खरीदा। मकान खरीदने के कुछ दिन बाद ही व्यक्ति के घर संदिग्ध अजनबियों का आना जाना शुरू हो गया, जिससे आस पड़ोस के लोगों को इस व्यक्ति पर शक हुआ। उन्होंने सख्ती से पूछताछ की, तब इस व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल किया। पश्चिम बंगाल के मोनिरोल इस्लाम मंडल ने अपना नाम बदलकर राजू मंडल करके डोईवाला के चांदमारी क्षेत्र में मकान खरीदा। विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा नाम बदलकर मकान लेने पर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और व्यक्ति से खरीदे हुए मकान को वापस करने के आश्वासन के बाद ही माने। यूकेडी नेता शिवप्रसाद सोमवाल ने कहा कि पहचान छुपाकर घर खरीदना बेहद आपत्तिजनक और धोखाधड़ी है। उत्तराखंड में बदल रही डेमोग्राफी के पीछे इस तरह की घटनाएं बड़ा कारण है। यूकेडी के जिलाध्यक्ष संजय डोभाल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के स्थानीय नेता ही इस व्यक्ति को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।